हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। इंडियन चैंपियन लीग 2022 का ये मैच आप सबके सामने लेके आया हूँ। जेडी साहब और जीतू कुमार एमजेके गेमिंग वर्सेस जेडी विराट गेमिंग, तो दोनों ही आमने सामने और यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। जीतू कुमार 1.5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेलीकास्ट में प्रॉब्लम हुआ था, तो इसकी वजह से यहाँ पे जेडी साहब बॉलिंग करते हुए मोहम्मद नबी, और यहां पे बढ़िया कनेक्शन जीतू कुमार के बल्ले से, और यहां पे 6 रन बढ़िया शॉट, यहां पे एडवांस शॉट जड़ दिया। यहां पे आखिरी गेंद मुंडो क्या कमाल कर पाएंगे, और यहां पे थोड़ा सा लेट हुए, 2 रन फिर भी मिलेंगे बिल्कुल। यहां पे 24 रन मोहम्मद नबी ने बहुत ही एक्सपेंसिव दिए है, और यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी जीतू कुमार से, और यहाँ पे नगड़ी लाए है यहाँ पे जेडी साहब, और पहला परफेक्ट बाउंस करने की कोशिश, लेकिन वाइड हो चुकी गेंद। यहाँ पे चलते हैं पहली गेंद की तरफ, और यहाँ जड़ दिया, यहाँ पे फील्डर वहाँ पे तैनात कर दिया था जेडी साहब ने, कोई गलती नहीं। और यहाँ पे परफेक्ट वापस बाउंस करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा दूर रही, वाइड हो चुकी है गेंद। चलिए दूसरी गेंद की तरफ आते हैं, और यहाँ पे इस बार परफेक्ट बाउंसर बिल्कुल, और कोई गलती नहीं यहाँ पे जेडी साहब के द्वारा। और यहाँ पे देखिए जीतू कुमार ने थोड़ा सा लेट खेला, और यहाँ पे 2 रन प्राप्त होंगे। केरन पोलार्ड है, और यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुके हैं, और यहाँ पे विकेट, बढ़िया गेंदबाजी जेडी साहब द्वारा, नगड़ी द्वारा, और विकेट मिलता हुआ। आखिरी गेंद नगड़ी की, और यहाँ पे परफेक्ट पैच लगा, और यहाँ पे फील्डर भी है खड़े, कोई गलती नहीं, और यहाँ पे बढ़िया विकेट, बैक टू बैक विकेट्स, बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी हो रही है जेडी साहब द्वारा। और यहाँ पे देखते हैं हार्दिक पांड्या क्या कमाल कर पाते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट पे वापस एज लगा, ऋषभ पंत भी बनेंगे, चलते पेवेलियन की ओर, और कोई गलती नहीं यहाँ पे। और मैक्सवेल आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लेट खेला है जीतू कुमार ने, शानदार तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है, और यहाँ पे वापस थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, और मैक्सवेल भी पेवेलियन की तरफ आते हुए, कमाल का स्पेल पांड्या द्वारा, और कमाल की गेंदबाजी जेडी साहब द्वारा। और यहाँ पे पांचवी गेंद करेंगे हार्दिक पांड्या, और इस बार भी बढ़िया कनेक्शन लगाने की कोशिश, लेकिन एज, और यहाँ पे विकेट मिलेगा बिल्कुल। और आज तो बंडल्स ऑफ एज लग भी साथ नहीं दे रहा जीतू कुमार के साथ शायद, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एज लग चुके हैं। 4 ओवर समाप्त होते हुए 52 रन 6 विकेट के नुकसान पर अश्विन को लाया है जेडी साहब, और यहाँ पे पहली गेंद शायद कैरम थी, इसकी वजह से लेट हो चुके हैं। और यहाँ पे चलिए तीसरी गेंद करेंगे, सामने है हार्दिक पांड्या, और यहाँ पे दूसरा निकली गेंद, और यहाँ पे फील्डर तैनात, कोई गलती नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से डाइविंग कैच, विकेट मिलता हुआ। मोहम्मद नबी आए हैं यहाँ पे, और गेसिंग शायद गलत, कैरम गेंद निकली। और यहाँ पे पांचवी गेंद, और यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेट ड्राइव, बहुत ही खूबसूरत शॉट ये। यहाँ पे आखिरी गेंद आ रही है, और आखिरी गेंद को भी छोड़ेंगे नहीं, इस बार जीतू कुमार ने मोमेंटम थोड़ा सा प्राप्त किया, यहाँ पे 64 रन का टोटल बोर्ड पर लगा दिया है, और शानदार तरीके से गेंदबाजी की है जेडी साहब ने आज तो, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और लक भी शायद थोड़ा सा जेडी साहब के साथ था, इसलिए परफेक्ट पैच लग गए काफ़ी सारे, तो शानदार तरीके से ये मैच होने वाला है। प्लीज़ कहीं जाइएगा मत, मुंड्रो और क्रिशलिन आते हुए, जेडी साहब पहली गेंद जीतू कुमार की, और यहाँ पे स्टैंड पर भेज दिया 6 रन, काफ़ी खूबसूरत शॉट यहाँ पे 9 o'clock फ्रंट फुट पर ये शॉट। यहाँ पे आ रही है दूसरी तीसरी गेंद, यहाँ पे बढ़िया कनेक्शन, लेकिन थोड़ा सा अर्ली हो चुके हैं, फील्डर के पास नहीं पहुँची, बाल बाल बचे। यहाँ पे चौथी गेंद, और यहाँ पे बढ़िया कनेक्शन, सीधा वापस शॉट स्टैंड पर भेज दिया 6 रन के लिए। आखिरी गेंद आ रही है, और आखिरी गेंद को भी क्रिशलिन ने छोड़ा नहीं भाई, आज तो बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी हो रही है जेडी साहब द्वारा, कमाल का कनेक्शन था ये, बेहतरीन सिक्स। यहाँ पे एक ओवर समाप्त, अब रबड़ आए हैं यहाँ पे, रिवर्स स्विंग और कटर करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे पहली गेंद पर कटर थी, और यहाँ पे 1 बाउंस का वार्निंग भी दे दिया अंपायर ने। यहाँ पे दूसरी गेंद, और यहाँ पे बढ़िया कनेक्शन, सीधा पुल कर दिया 6 रन के लिए, बेहतरीन 6। यहाँ पे तीसरी गेंद आ रही है, और यहाँ पे एक बढ़िया कनेक्शन, अपर कट खेल दिया शानदार तरीके से 6 रन के लिए, कोई गलती नहीं।
यहाँ पे आ रही है चौथी गेंद और यहाँ पे फील्डर कोई नहीं है, वहाँ पे गेंद जा रही है और दोनों ही फील्डर पहुँच नहीं पाएंगे, चार रन मिलेगा। पांचवी गेंद आ रही है और यहाँ पे गैसिंग गलत, रिवर्स स्विंग निकली है। आखिरी गेंद रबाड़ा की और यहाँ पे लेट खेला और चार रन भी मिल गए, बहुत ही शानदार कनेक्शन, क्या बात है मुंड्रो द्वारा, बहुत ही शानदार शॉट चार रन के लिए। गैसिंग इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ग्रीन पिच है, कटर रिवर्स स्लो स्ट्रेट सब इम्पोर्टेंट है। जोफ्रा आर्चर पावर प्ले खत्म और कुछ अलग ही तरीके से शॉट खेलने की कोशिश, लेट ग्लिच खेलने की कोशिश थी और यहाँ पे लेट हो चुके हैं काफ़ी और विकेट मिलता हुआ क्रिस लिन पेविलियन की तरफ। यहाँ पे हार्दिक पांड्या है और यहाँ पे हार्दिक पांड्या भी पेविलियन की तरफ आते हुए विकेट मिलता हुआ, जीतू कुमार का बहुत ही बढ़िया स्पेल और हैट्रिक की तरफ। और यहाँ पे एक और है परफेक्ट पर और कमाल की हैट्रिक जोफ्रा आर्चर द्वारा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वापसी करते हुए, कमबैक करते हुए, क्या कमाल कर पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे जीतू कुमार, चलिए जानते हैं। पांचवी गेंद लेट खेला और यहाँ पे दो रन आसानी से प्राप्त होते हुए। आखिरी गेंद आ रही है जोफ्रा आर्चर की और यहाँ पे इसको भी लेट ही खेला है, जानते हैं जेडी साहब की कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिक्वायर्ड काफ़ी 10 के नीचे भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए लेट खेला इस बार हार्दिक पांड्या आए हैं, सामने है केरन पोलार्ड कमाल का, और यहाँ पे देखिए काफ़ी नीची रही और यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं जेडी साहब, और 6 रन के लिए स्टैंड पर भेज दिया कमाल का ये शॉट। यहाँ पे चौथी गेंद स्लो स्ट्रेट यॉर्कर और इसको भी बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेट लुफ्टेड ड्राइव खेला है, बहुत ही शानदार शॉट। और यहाँ पे देखिए आखिरी गेंद पर भी बढ़िया कनेक्शन और 6 रन के लिए मोमेंटम प्राप्त कर लिया है जेडी साहब ने। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो और प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें।